परिवार में बेटी जवान हो तो माता पिता को बेटी की शादी के लिए बेचैनी शुरू हो जाती है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना हो फिर तो परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है। इसी तरह के एक परिवार की बेटी की शादी श्री अखंड परम धाम मंदिर दिलशाद गार्डन में 25 अक्टूबर रविवार को कराई। श्री अखंड परम धाम मंदिर परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक संपन्न कराई गई। इस मौके पर तेज निगाही संवाददाता योगेश कुमार सोलंकी के साथ बातचीत में स्वामी अनुभूतानंद महाराज जी ने बताया कि समाज में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादी करने में सक्षम नहीं होते और ये परेशानी उस परिवार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन श्री अखंड परमधाम मंदिर ट्रस्ट ऐसे परिवारों की मदद करने में सबसे अग्रणी है। देखिए हमारी इस खास खबर में। हम इसमें मौजूद हैं श्री अखंड परमधाम मंदिर दिलशाद गार्डन में, जहां पर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर एक अभावग्रस्त कन्या की शादी परमाध्यक्ष स्वामी अनुभूतानंद गिरिजी महाराज जी के सानिध्य में की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप ये दूल्हा दुल्हन हैं जो कि शादी के गठबंधन बन गए हैं और जिस तरह से ये कार्य किया गया है आप साथ में देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग साथी हैं, बराती हैं जो कि इस शादी में आए हुए हैं और शादी का सारा प्रबंध जो कराया गया है वो अखंड परम धाम मंदिर की तरफ से कराया गया है, महाराज जी के सानिध्य में कराया गया है। तो चलिए शादी के बारे में हम दूल्हे से ही बात करते हैं कि शादी का जो कोरोना संक्रमण में के चलते हुए शादी की कराई गई है महाराज जी के सानिध्य में, क्या कहना चाहेंगे? नाम जानना चाहेंगे? चंदन ओझा सर। हाँ चंदन, बताएँ आज शादी की गई, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? महाराज जी की बात ये करना चाह रहे हैं कि कोरोना इसके वजह से मैं शादी यहाँ किया, शादी किया हूँ वैसे अपने बीबी बच्चे और मम्मी पापा सबको सुरक्षित रखूँगा। चलिए शादी में लड़की के पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नाम जानना चाहेंगे? दिलीप मिश्रा। हाँ दिलीप, बात करें क्या कहना चाहेंगे एक पिता के लिए? लड़की आज के समय में जो आर्थिक स्थिति खराब हो तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं यहाँ समाज हैं वो सब मिल करके हमारे सहायता किए और शादी करवाए। क्या कहना चाहेंगे महाराज? महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो हमारे लिए महान आदमी हैं। लड़की की माँ हमारे साथ हैं, नाम जानना चाहेंगे आपसे? हाँ जी, मेरा नाम मंजू है। मैं बहुत गरीब थी, लड़की को गांव से हम शादी करने पाए क्योंकि हमारे पास बहुत स्थिति खराब था, इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए इतना सेवा सब कुछ की है। अब लड़की की एक माँ के लिए बड़ी टेंशन होती है, हाथ पीले हो गए हैं, कितनी खुश हैं? एक लड़की के लिए हाथ पीले हो गए, हम लोग बहुत खुश हैं, सब हमारा परिवार खुश है। चलिए बात करते हैं लड़के के परिजनों से, रिश्तेदारों से जो कि यहाँ पर शादी में आए हुए हैं, जानना चाहेंगे कि ये शादी जो हुई है बहुत खुश हैं परिवार के? एक पिता के लिए बड़ी बेटी हो जाना, उसके हाथ पीले होना बहुत खुशी की बात होती है। इस शादी को संपूर्ण कराने वाले लड़के के मौसा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नाम जानना चाहेंगे? हाँ जी रविंद्र। क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे की शादी हुई है, आपके जो बच्चों की शादी हुई है कोरोना संकट में, काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हुई, महाराज जी ने शादी कराई, क्या कहेंगे? महाराज जी ने शादी कराए क्योंकि कोरोना के चलते थोड़ा परेशानी था, यहाँ से बढ़िया से हुआ कि बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। हम लोग गरीब आदमी थे, महाराज जी के चरण में आए, महाराज जी बहुत बढ़िया से करवाए और कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को नहीं। इस समय लड़की विदा हो रही है और जो तस्वीरों आप देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन दोनों विदा किए जा रहे हैं, बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये शादी कराई गई है और इसमें भले ही शादी में कम लोग शामिल हों कोरोना को देखते हुए, लेकिन शादी पूरी विधि विधान के साथ की गई है और पूरी अच्छी तरह से शादी जो हिंदू रीति रिवाज का होता है उसके अनुसार ये शादी की गई है। अखंड परमधाम मंदिर दिलशाद गार्डन में स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में एक अभावग्रस्त कन्या की शादी संपूर्ण हुई। आइए बात करते हैं कि किस तरह से शादी की गई, उस परिवार को कितनी राहत मिली होगी जिस परिवार की जवान बेटी के आज हाथ पीले हुए हैं। महाराज जी बात करें, इस तरह देखा जाता है कि वैसे तो साधु संत महात्माओं का समाज पर एक नई दशा देने में बहुत अहम योगदान होता है, लेकिन आज समाज की एक कन्या की अभावग्रस्त कन्या की जो शादी कराई है उसके बारे में क्या कहें? माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है अविवाहित कन्या, और वो सोचते रहते हैं कब इसका
पानी ग्रहणों का भी हाथ पी ले। जब ऐसी परिस्थितियां जटिलताओं के बावजूद भी नहीं बन पाती हैं, तो कई माता पिता बेचारे आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि सामर्थ्य उतनी है नहीं और बालिका को कोई स्वीकार करता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि अगर कोई ऐसे परिवार हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं और वो हमारी मदद को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो हम पूरी कर नहीं सकते किसी, डिमांड का मतलब हो गया दहेज, तो दहेज के हम सख्त विरोधी हैं। तो जो भी हमारे पास व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में अच्छा से अच्छा हम उन्हें देने का प्रयास करते हैं और वो अपने घर को सुंदर सा चला सके, एक गतिशील परिवार बन सके, अपने परिवार को अच्छा निभा सके, ऐसी हम एक शुरुआत उसके लिए कर देते हैं। तो आज कलंदर कनोली से दो परिवार, लड़के वाले परिवार और लड़की वाले परिवार, एक ओझा परिवार है एक मिश्रा परिवार, दोनों की बेटी की उम्र है 18 साल, बेटे की उम्र 21 साल, प्रमाणिकता के साथ उनकी पानी ग्रहण की व्यवस्था हमने की है, कानूनी कोई दिक्कत ना आए इसके लिए सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। उसके बाद जब यहाँ पर आए तो जो हमारी व्यवस्थाएं थी जलपान से लेकर भोजन से लेकर जो उनके लिए सामान आज देना था वो सब व्यवस्था हमने बना के रखी, और माँ भगवती क्योंकि आज नवमी भी है तो माँ भगवती दुर्गा के चरणों में उनको जयमाल करा दिया, और इसके बाद यज्ञ भगवान ने जाकर के यज्ञशाला में यज्ञ हुआ, और इसके बाद उसी यज्ञ में परिक्रमा के साथ 7 फेरे उनको करवा दिए और उनकी शादी संपूरित हो गई। परिवार बहुत खुश हैं, उनके मिलने जुलने वाले खुश हैं, और वो कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा हम कर भी नहीं सकते जैसा आपने कर दिया। तो वो तो खैर कहने की बात है, लेकिन हमने जो करना था हमने किया, उसमें कोई एहसान नहीं है। वो एक समाज के नाते, एक व्यवस्था के नाते और एक मानवता, वो हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है, क्योंकि हम साधु हैं, समाज के सेवक हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, दुखी हो, परेशान हो, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस व्यवस्था को दिया, और आगे भी हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि कोई भी इस तरह की अव्यवस्था से जूझ रहा कोई भी परिवार और हम उसमें जो भी मदद कर सकते हैं उसमें वो हमको उनका एज प्रूफ और वो लिखा जाए, और हमारी शर्त के अनुसार, उनकी शर्त के अनुसार हम नहीं कर पाए, कोई डिमांड नहीं स्वीकार है, पर हम जो करेंगे अच्छा से अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अखंड परम धाम मंदिर दिलसाद गार्डन में जो ये प्रकल्प चल रहा है, इस प्रकल्प में खुले दिल से लोग आएं और देखें और उससे जुड़ें। मैं मान के चलता हूँ कि जब जुड़ेगा व्यक्ति, देखेगा, तो उसके मन में खुद भी एक भाव पैदा होगा कि हम भी मानवता की सेवा में कहीं ना कहीं आगे आएं। इस तरह से मेरी सद्भावना है उस परिवार के साथ जिन्होंने आज अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को पानी ग्रहण में हाथ पीले किए हैं। वो सुखी रहें, संपन्न रहें, और आगे उनका जीवन इतना सुखकारी हो कि वो पीछे का सब भूल जाएं, गरीबी भूल जाएं, अन्य चीज़ें भूल जाएं, जहाँ से वो चल रहे हैं उसके आगे बढ़ें, पीछे ना। वाकई जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा को बलवती किया है, और इसके साथ साथ ही जिस तरह साधु संत महात्माओं का हमेशा भारतवर्ष का आशीर्वाद रहा है, और जिसका प्रमाण इस कोरोना महामारी में भी देखने को मिला है, भारत में इस कोरोना महामारी का उतना प्रकोप नहीं हुआ अन्य देशों के मुकाबले, तो आज जो यहाँ पर एक अभावग्रस्त कन्या की जो शादी की है और वो माँ मंडलेश्वर जी के सानिध्य में जो की गई है, वो भी एक समाज को बहुत बड़ा संदेश है। और जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि मानवता के नाते सक्षम इंसान को ऐसी मानवता की मदद करने आगे आना चाहिए, और यदि कोई असक्षम है तो उसके लिए महाराज जी के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई ऐसी कन्या है परिवार की जिसके विवाह के लिए परिवार परेशान है, वो महाराज जी संपर्क कर सकता है, और उसके लिए महाराज जी जो भी बनेगा उसके लिए और उसके परिवार को बचाने में और सदर के हाथ पीले कराने में पूरा सहयोग देंगे। तेज निगाह भी आपसे अपील करता है कि जिस तरह साधु संत महात्मा समाज को एक नए बदलाव और नई ऊर्जा के साथ बेटियों के हाथ पीले करने में और उनके सहयोग करने में आगे आ रहे हैं, तो आप भी इस मुहिम में आगे बढ़ें ताकि किसी की बेटी बिन व्याही ना रहे।
कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।